सो हेलो गाइस, हमारे पास है ये ड्रोन की बैटरी जो कि 5200 mAh की है, यानी कि 5200 mAh की बैटरी है। और इसकी एक सेल ख़राब हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको शायद पिछले वीडियो से पहले वीडियो में कभी दिखाया होगा। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसका एक सेल अगर जो हम किसी फ़ोन की बैटरी से रिप्लेस कर दें तो क्या हमारा ड्रोन फ्लाई कर पाएगा, तो इसी की टेस्टिंग हम करेंगे फिलहाल इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसका जो निगेटिव टर्मिनल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेना होगा, और फिर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल निकलेगा उसको फिर पुनः इस पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना होगा, बस हमारा फिर काम रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बैटरी को इसमें सोल्ड कर लिया है और अब चेक करते हैं इसमें 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं, मतलब 12 वोल्ट के आसपास, या फिर 3 सेल्स शो कर रहा है कि नहीं। तो 3 सेल यहाँ पे शो कर रहा है, ऑल 12 वोल्ट है। तो शायद हमने इसको कनेक्ट कर पाया अच्छा तरीका से, और बाकी हम देख लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम ESC को कनेक्ट कर लेंगे टर्मिनल को देखते हुए, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस के वाले के साथ। तो हम इसमें सर्वो टेस्टर लगा के चेक कर रहे हैं, और इससे ही पता चल जाएगा कि ये पावर जनरेट कर रहा भी या नहीं। तो ये बैटरी हमारे हिसाब से काम कर जाएगा, और बाकी अभी बारिश हो रही है फिलहाल, नहीं तो हम टेस्ट कर रहे थे कि ये उड़ सकता है या नहीं सकता। ठीक है मैम, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे